हेलो गाइस, माय नेम इज जीवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर प्रॉफिट लॉस का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं एंड परसेंटेज के चैप्टर्स कर चुके हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है प्रॉफिट लॉस के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो देखिएगा, MF का कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा और लास्ट लेक्चर सबसे पहले देखिए, ठीक है? लेक्चर नंबर 1 प्रॉफिट लॉस का, उसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा तो आपको बहुत यूजफुल लगेगा ये लेक्चर, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं MF के कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें, ठीक है? तो अभी बच्चों की हमेशा क्वेरीज रहती हैं कि सर थोड़े क्वेश्चन कराइए, लेकिन प्रॉफिट लॉस के अंदर है ही क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया ना 8 से 10% ही है बस सारा कॉन्सेप्ट, सारा परसेंटेज यूज होगा इसके ऊपर, सारे का सारा फोकस हमारा रहेगा इसमें क्वेश्चंस के ऊपर, और आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा मैं सारे के सारे क्वेश्चंस, और 10-10, 15-15 सेकंड में हम निकालेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, आप देखते जाइए बस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो गाइज देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर बोला कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ CP इज 450 एंड SP इज 500, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य है 450 रुपये एंड सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने का मूल्य है 500 रुपये, और बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, ठीक है? अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो इसके अंदर अलग अलग वेज हैं, ठीक है? मैं दो तरीके हैं वो दोनों आपको बता देता हूँ, लेकिन जो आपको फॉलो करना है उसके बाद मैं वो बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट निकालना है आपको, SP पता CP पता, इन दोनों का माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 500 में से 450 का कितना बना, 50 बना, ठीक है? और बेस क्या है, बेस है 450 क्योंकि CP है, तो यहाँ पे 450 लिख दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 9 जा, तो ये हो गया 1/9। ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट का फ्रैक्शन, इसको परसेंट में कब कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 कर दीजिए, ठीक है? तो ये क्या बन गया, 11.11% बन गया, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को अगर एक दूसरे वे से करना है फिर कैसे करेंगे, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अगर तरीके से आपको करना है, आपको कभी भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ जाए, आपको वो जो मैंने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज बताए थे 3 फॉर्मूला, वो हमेशा याद रखने हैं कि SC, SM और MC, ये तीनों लगाओ और क्वेश्चन तुरंत चित्त हो जाएगा। ये देखो SC लगाना, आपको मैंने बोला था, आपको हर लेक्चर में मैं बोलता आ रहा था कि प्रॉफिट लॉस में हमें पहले ही बताऊंगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। ये देखो मैं बिना क्वेश्चन को देखे सीधा लिखता हूँ SC इज इक्वल टू MF, बिना क्वेश्चन को देखे लिखूंगा, ठीक है? एस को लिखो यहाँ पे और सी को लिखो, तो एस कितना है यहाँ पे 500, सी कितना है 450, ये क्या हो गया आपके पास, ये MF आ गया, ठीक है? यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 10/9, तो MF कितना आ गया आपके पास 10/9, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया प्रॉफिट का। वो पता कैसे लग रहा है कि ये प्रॉफिट का ही है, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी है नीचे वाली छोटी है, ठीक है? नीचे वाला आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस है बेस है, ठीक है? और ऊपर वाला सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस अगर बड़ा होगा तो क्या है, प्रॉफिट है। तो 10-9 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है? तुरंत आपको लिखना है इसको, परसेंट में कन्वर्ट करना है, 1 हुआ प्रॉफिट और बेस हम 9 ही रखेंगे, ठीक है? ये मैंने परसेंटेज में आपको अच्छी तरह से बता रखा है MF के कॉन्सेप्ट में। अगर नहीं देखा, कोई न्यू बंदा देख रहा है इसको, तो सबसे पहले जाके परसेंटेज का MF का कॉन्सेप्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे लिख दो, बेस लिख दो 1/9, ठीक है? 10-9 किया 1, ये हुआ प्रॉफिट, और बेस को हम वही रखेंगे जो यहाँ पे है, ठीक है? बेस चेंज नहीं होगा, और इसको इनटू 100 कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया, ये देखो बिल्कुल जो यहाँ किया वही आपके पास यहाँ पे आ गया 11.11%, ठीक है? इसके अंदर हमें पहले ही पता था कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ऐसे ही अब अगले क्वेश्चंस देखो, उसमें भी पहले ही हम देखते हैं SC लगा लेंगे देखते ही, ठीक है? उसके बाद तुरंत उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आपके सॉल्यूशंस आते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द CP, खरीद मूल्य अब हमने निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस अभी हमने निकालना है, प्रॉफिट का परसेंट हमें दे दिया 20%, SP दे दिया हमें 600, ठीक है? कुछ नहीं करना, मैंने आपको हमेशा क्या बताया, देखो ये सबसे बड़ा रामबाण है, इस फॉर्मूले से तो सारा प्रॉफिट लॉस निकालने वाले हैं गाइज हम, ठीक है? आपको मैं हर क्वेश्चन में बोलूँगा आप तो यार, ठीक है, कि मैंने बताया था कि हमें पहले ही सॉल्यूशन पता होगा, ये लो पहले ही पता है, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले सॉल्यूशन पता है मुझे, ठीक है? ये है इसका सॉल्यूशन। तो अभी एस की वैल्यू पुट करो, एस की वैल्यू कितनी है 600 है, ठीक है? सी आपको निकालना है, MF किसका लगाना है, प्रॉफिट का लगाना है, कितना दिया हुआ है प्रॉफिट 20% दिया हुआ है, तो MF क्या लगा, 20% का क्या होता है MF, 20% होता है 1/5, तो MF हो गया 6/5, ठीक है? ये काटो तो यहाँ पे C कितना आ गया आपका 500 आ गया, आंसर आ गया। इसको तो अभी मैं ये लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो ये तो यार एक लाइन का क्वेश्चन है। ये देखो अभी ये जो दो स्टेप किए हैं मैंने, आप देखो ये और ये स्टेप किया मैंने, ठीक है? दो स्टेप किए हैं, लेकिन अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना था तो मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को, खुद देखो, मुझे पता होता कि SC = MF लगाना है, मैं तुरंत इस क्वेश्चन को पता क्या देखते ही 600
बाई सी इज इक्वल टू 6/5 और मेरा आंसर क्या हो जाता डायरेक्टली 500 हो जाता क्योंकि ये देखो ये कैंसिल हुआ। मैं इसको देखते ही यहाँ करता ऐसे लिखता सीधा मैं यहाँ से शुरू करता ठीक है लेकिन अभी सीधा यहाँ से शुरू करता लेकिन अभी आपको क्या है कि आपको इसकी आदत एक बारी तो डालनी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है आपको न्यू लग रही हो ये चीज़ ठीक है। तो इसलिए आप अभी ऐसे कीजिए लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही वो आपके अंदर हैबिट आ जाएगी और आप इसको ऐसे करने लग जाएंगे एक लाइन के अंदर क्वेश्चन। गारंटी है हर क्वेश्चन एक लाइन के अंदर करेंगे यार हम ठीक है। इसमें बीच में कुछ और कॉन्सेप्ट्स न्यू भी आएंगे ठीक है। मैंने बताया ना 8 से 10% इसके खुद के भी कॉन्सेप्ट हैं ऐसा नहीं कि सारा परसेंटेज है। 8 से 10% जो इसके खुद के कॉन्सेप्ट है वो भी करेंगे साथ में जो परसेंटेज का यूज़ है वो तो चल ही रहा है ठीक है। तो इसमें परसेंटेज का बहुत एग्जॉस्टिव यूज़ है इसीलिए बोला था कि परसेंटेज राजा है रेशो क्वीन है। रेशो भी इसमें आप यूज़ कर रहे हो एस बाई सी क्या है एक रेशो ही तो है ठीक है। तो आप जाने अनजाने में रेशो को यूज़ कर रहे हैं ठीक है और ऐसे ही जाने अनजाने में परसेंटेज को भी यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखते हैं अपना न्यू क्वेश्चन। ये देखो इसके अंदर का इस क्या लिखा हुआ कि राम सेल्स इज वॉच फॉर ₹100 एंड मेक्स ए लॉस ऑफ ₹10 फाइंड द लॉस परसेंट। राम ने क्या किया एक वॉच ली उसने उसको सेल कर दिया ₹100 में ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उसको लॉस हो गया ₹10 का तो अभी लॉस परसेंट बताना यानी कि उसको कितने प्रतिशत हानि हुई। अच्छा गाइस इसके अंदर देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ कि सेल कर रहा है वो ₹100 में लॉस हो रहा है ₹10 का ठीक है। आप मेरे को खुद से बताओ कि अगर लॉस परसेंट निकालना है तो डायरेक्ट निकल जाएगा कैसे निकलेगा आपको लिखना पड़ेगा लॉस डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा आप देखो कि ₹100 का तो वो बेच रहा है ठीक है। लॉस को हमेशा ऐड करना पड़ता है सेलिंग प्राइस के अंदर क्यों क्योंकि कॉस्ट प्राइस लॉस के केस में बड़ा होगा ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉस्ट प्राइस कम हो जाए ठीक है। कॉस्ट प्राइस कम तभी होगा जब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए प्रॉफिट के लिए लेकिन अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए तो लॉस होता है ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो अगर 10 का लॉस हुआ है तो वो लॉस को इसके अंदर ऐड करेंगे तभी तो हमें मिलेगा अपना कॉस्ट प्राइस ठीक है। तो लॉस को हमेशा ऐड करना पड़ता है और प्रॉफिट को माइनस करना पड़ता है सेलिंग प्राइस में से तभी हमें मिलता है कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है यहाँ से 100 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो कितना हुआ ये सॉरी 100 में 10 ऐड कर देंगे तो ये कितना हुआ 110 हुआ ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/11 इसको इनटू 100 कर दो तो ये कितना बनेगा आई थिंक 9.09% बन जाएगा ये ठीक है। ये चेक कर लेना आप परसेंटेज का चार्ट मैंने आपको दिया हुआ परसेंटेज के चार्ट को देखो तुरंत क्वेश्चन आएंगे ठीक है। अगर परसेंटेज याद नहीं है तो फिर नहीं आएंगे फिर तो समय लगेगा भाई ठीक है। उससे बेटर है कि ऐसे कर लो तो ये तुरंत आते जाते हैं इससे क्वेश्चन ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अब गाइस देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ द सीपी इज 25% लेस देन एसपी ठीक है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखो अब ध्यान से उसने क्या बोला उसने बोला कि जो आपका सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है ठीक है खरीद मूल्य है वो बेचने वाले मूल्य से एसपी से 25% कम है। तो अब आपको खुद मैंने आपको क्या बताया था परसेंटेज के अंदर कि अगर कुछ कम वाली चीज़ है तो उसमें क्या कर रहे हैं जब भी कम वाली चीज़ करनी है तो आपको एमएफ नेगेटिव लगाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सी इज उसने बोला है एसपी से इतना कम है तो आपको क्या लिखना है सी बाय एस इज इक्वल टू क्या हो गया 25% कम है। 25% कितना होता है 1/4 होता है कम है तो 3/4 ठीक है। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा जिन्होंने एमएफ देखा ही नहीं होगा इतनी हिम्मत ही नहीं की होगी। तो देखो 25% होता है 1/4 4-1 कितना हुआ 3 हुआ नेगेटिव एमएफ के लिए और बेस कितना 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दो ठीक है ये हो गया एमएफ नेगेटिव। तो यहाँ पे ये देखो ये लिख लिया हमने तो यही इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी। अब वो क्या बोल रहा है फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट के लिए तो हमें कॉस्ट प्राइस को बेस बनाना पड़ेगा ना। तो अभी इसको क्या कर दो रिवर्स कर दो यहाँ से एस बाई सी क्या हो गया आपके पास एस बाई सी हो गया आपके पास 4/3 ठीक है इसको रिवर्स कर दिया। अभी प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो ये 4-3 क्या हो गया 1 हो गया ठीक है ये प्रॉफिट हो गया और बेस कितना रखोगे 3 रखा इसको इनटू 100 कर दोगे तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 33.33% क्या हो गया आपके पास प्रॉफिट हो गया ठीक है। मुझे लगता है कि ये आपको बात समझ आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन गाइज और कर लेते हैं ये आप लिख लीजिएगा ये मैंने लिखा नहीं एक्चुअली क्वेश्चन इसके अंदर सपोज कर लेते हैं अभी बना लेते हैं क्वेश्चन ठीक है आपके सामने बना लेते हैं कि हम बोल देते हैं कि लॉस परसेंट है जो हमारे पास ठीक है लॉस परसेंट हम बोल देते हैं 20% है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है। लॉस परसेंट दे दिया है उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस दे दिया गया है इसका मान लो कि आपको दे दिया है ₹300 ठीक है। अब बोले कि कॉस्ट प्राइस बताओ कितना है ठीक है ये मैं क्वेश्चंस इसीलिए इसको घुमा फिरा के करा रहा हूँ इन सब क्वेश्चंस को ताकि आप इसमें हैंडी हो जाएं। तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा फिर से एक ही फॉर्मूला हमारा जिंदाबाद कौन सा एस बाई सी इज इक्वल टू एम एफ। तो एस कितना है अभी आपके पास 300 ठीक है
सी कितना निकालना है आपको, लॉस परसेंट का एमएफ क्या होगा, 20% क्या होता है, 1/5, तो उसका एमएफ नेगेटिव क्या हो गया, 4/5 हुआ, तो यहाँ लिख दो 4/5, ठीक है। अब इसको काटो यहाँ पे, तो इस 300 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 से जब 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, तो इस तरफ इस तरफ आ जाएगा 25 75 आ जाएगा 75, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 75 × 5, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 75 × 5, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये देख लीजिए 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 7 = 35, 36 = 37, 375 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह तो वैसे आप खुद भी देख सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने बताया कि आप एमएफ का यूज़ करके कितनी फास्ट निकाल सकते हैं। अभी क्या है कि हम सिंपल क्वेश्चंस पे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंगल ट्रांसैक्शन वाले क्वेश्चन है, अगर आपने देखे हो कि मतलब एक ही ऑपरेशन लग रहा है इनके अंदर, ऐसा नहीं है कि 3-4 ऑपरेशन इकट्ठे लग रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सक्सेसिव परसेंटेजेस का कैसे यूज़ हो रहा है इसके अंदर, कि अगर बता दिया जाए कि एक बारी लॉस हो रहा है एक बारी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सब मिक्स आ जाए गड़बड़ होके, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम क्या कि बहुत टाइप्स हैं इसके अंदर, बहुत टाइप्स हैं, सारे के सारे टाइप्स करते जाएंगे, लेकिन ये है कि प्रॉफिट लॉस को बहुत फास्ट तरीके से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे इसको, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, ठीक है। इसको हम बहुत तेज़ी से सॉल्व करते जाएंगे। तो अभी बस आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए इन वीडियोज़ को, ठीक है। बाकी मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।